कैसे सिल्की हो सकते हैं, उनमें ग्लो और शाइन कैसे आता है, केराटिन बूस्टर इंजेक्शन क्या होते हैं और हेयर केराटिन बूस्टर्स हम घर पे कैसे बना सकते हैं, सब कुछ देखिएगा आज की वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर बतूल अशरफ और आप देख रहे हैं माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डॉक्टर बतूल अशरफ ऑफिशियल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जो बाल ड्राई एंड डैमेज हो जाते हैं उनके लिए आप हेयर केराटिन बूस्टर कैसे बना सकते हैं, मैं क्लिनिक में क्या उनसे ट्रीटमेंट देती हूँ। हेयर केराटिन बूस्टर इंजेक्शंस की फॉर्म में होते हैं और उनको हम घर पे रहकर किस तरह बना सकते हैं और उनका इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए, ये सब आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। केराटिन क्या होता है? केराटिन वो प्रोटीन होता है जो हमारे नाखूनों में, हमारे बालों में मौजूद होता है और वही हमारे बालों को शाइन और स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। अगर ये हमारे बालों से निकल जाए या इसकी प्रोडक्शन ना हो हमारी बॉडी में तो हमारे बाल ड्राई एंड डैमेज हो जाते हैं। किन कंडीशंस में केराटिन कम हो सकता है? अगर आपकी बॉडी में थायराइड की कोई प्रॉब्लम है, वाइटामिन डी के इश्यूज हैं, कोई भी मेटाबॉलिज्म का इशू है, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है और या कोई आप हार्मोनल ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं या आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहे हैं तो भी ड्राई एंड डैमेज हेयर हो जाते हैं। लेकिन बहुत आसान से ट्रीटमेंट होते हैं, अवेलेबल हैं, जो घर पर आप करेंगे बेसिकली वो उनसे आप ऑलमोस्ट 100% इतना ही डिज़ायर रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन हम जो इंजेक्शन लगा कर डालकर एक एक बाल में जब हम कोम करते चले जाते हैं और हम उसके साथ फोटोडायनेमिक थेरेपी में ज़रूर देती हूँ जिसको PDT लाइक कहते हैं, होता यह है कि केराटिन उसके बाद उन बालों के बॉन्ड में डीपली पेनिट्रेट कर जाता है जिसकी वजह से आपको इफ़ेक्ट टिपिकल रिबॉन्डिंग या हेयर रिलैक्सेशन वाला आता है। लेकिन हेयर रिबॉन्डिंग और हेयर रिलैक्सेशन या ट्रांसफॉर्मेशन में आप की बालों पर आयरन यूज़ किया जाता है या केमिकल लगाया जाता है जिसको सोडियम थायोग्लाइकोलेट कहते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं नहीं जी इट्स प्योर प्रोटीन, इट्स प्योर केराटिन। नहीं होता, जिस भी कंडीशन में, जिस भी ट्रीटमेंट में आयरन यूज़ किया जाएगा आपके बाल मज़ीद डैमेज होंगे। कोई भी स्टाइलिंग टूल के साथ ट्रीटमेंट करवाया जाए वो आपके बालों को डैमेज करता है। हेयर बॉन्ड खोलना और फिर उसको बंद करना, दैट इज़ अ वेरी टेम्प्ररी ट्रीटमेंट और उसकी वजह से हेयर फॉल मज़ीद होता चला जाता है और उसके बाद आपको 3 महीने 6 महीने के बाद जब अपने बाल वापस बुरे लगने लग जाते हैं तो आपको वही वापस ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन केमिकल बार बार लगाने की वजह से बाल जो हैं वो थिन आउट होना शुरू हो जाते हैं और फिर आपके बालों की हेल्थ वैसी नहीं रहती जब जो इनिशियली थी। तो कोशिश कीजिए केमिकल के ट्रीटमेंट से बचते रहिए। ये ट्रीटमेंट जो मैं आपको दिखा रही हूँ आप देखिए कि इसको हमने किस तरह किया है और क्या रिजल्ट आया विदाउट यूजिंग एनी हेयर स्टाइलिंग टूल। जस्ट हमने इसमें अप्लाई करना है और जो है कोम करना है, अप्लाई करना है, कोम करना है। मेथड बहुत आसान करके जो है मैं बताऊँगी, इसी तरह लगाइए, यूज़ कीजिए और फिर हमें बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी।
जी, ये ज़बरदस्त सा कैरेटिन कंडीशनिंग मास्क बनाने के लिए हमें चाहिए कोकोनट क्रीम, फिर हम इसमें शामिल करेंगे माल कंगनी का तेल, फिर हम इसमें शामिल करेंगे रोज़ मेरी ऑयल के 10 से 15 खतरे, अजवाइन का तेल 10 से 15 खतरे और खशखाश का तेल। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे इंजेक्शन मल्टीबायोंटा। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे इंजेक्शन नैरोबियन। अगर मल्टीबायोंटा का इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है, नैरोबियन का इंजेक्शन अवेलेबल नहीं हो, तो आप बच्चों का लाइसोवाइट सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई भी अच्छा वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसमें B1, B6, B12 शामिल हो वो भी ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कोकोनट क्रीम, जितनी आपने इस्तेमाल करनी है, जो आपकी बालों की लेंथ है उसके लिहाज से आप कोकोनट क्रीम निकाल दीजिए। ये मैं शोल्डर लेंथ के लिए बना रही हूँ। इसके बाद हम अब इसमें शामिल करेंगे अजवाइन के तेल के 4 से 5 ड्रॉप्स। ये हमने शामिल कर दिए, इससे जो बॉन्ड खुल जाता है बालों का वो फौरन जो है वो बंद हो जाता है। अजवाइन में विटामिन के की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। फिर हम शामिल करेंगे रोजमेरी ऑयल के 10 से 15 खतरे। रोजमेरी ऑयल फॉलिकुलर स्टिमुलेशन बहुत अच्छी कराता है, बाल अच्छे निकलते हैं। तो वो लोग जो अब केमिकल ट्रीटमेंट से परेशान हैं, रिबॉन्डिंग कराने के परेशान हैं, वो ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। फिर मैं शामिल कर रही हूँ मालकंगनी का तेल 10 से 15 खतरे। ये ज़बरदस्ती आप मार्केट की फार्मूला कैरेटिन ट्रीटमेंट को भूल जाएंगे। ये है खशखाश का तेल, इसके भी 10 से 15 खतरे। ये भी बॉन्ड को ज्वाइन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। और ये देखिए नेचुरल सारी चीज़ें हैं इसमें। और फिर मैं डाल रही हूँ B1, B6, B12 नैरोबियन का एक इंजेक्शन। जिनके पास अवेलेबल ना हो, जो आउट ऑफ पाकिस्तान रहते हैं, वो कोई भी अच्छा बच्चों का मल्टीविटामिन का सिरप यूज़ कर सकते हैं। और ये है मल्टीबायोंटा का इंजेक्शन। अब हम इनको मिक्स करेंगे, उसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी आखिर में विटामिन डी की एक कैप्सूल। ये 2 लाख यूनिट की कैप्सूल है। ये ज़बरदस्ती कैप्सूल है, इसको यहाँ से हमने कट किया और फिर हमने इसके ये सारे ड्रॉप्स इसमें शामिल कर दिए। मैं बेसिकली सिरिंजिस का इस्तेमाल इसलिए करती हूँ कि इससे जो है आप एक एक बाल खोल खोल के लगा सकते हैं। ये देखें कितना अच्छा मिक्स हो रहा है। और मिक्स होने के बाद जब ये लगेगा, स्मेल बेशक जो है वो बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन फ़ायदा बहुत अच्छा होता है। और जब बाल वॉश होंगे आपको बिल्कुल इफ़ेक्ट ऐसा आएगा जैसे कैरेटिन आपने बालों में करवाया हुआ हो, कोई बाल डैमेज नहीं होते कुछ भी। ये देखिए मैंने फिल कर लिया। अब आपने बाल जो है वो खोलने हैं और फिर आपने ऐसे करके एक एक बालों में ऐसे ऐसे लगाना है जैसे आप मेहंदी लगाते हैं। और फिर आप जब इसको एब्जॉर्ब करते जाएंगे ऐसे, तो ये एक एक बाल की जड़ से लेकर आपने नीचे टिप तक के लगाना है। एब्जॉर्प्शन के लिए इसको आपने आधा घंटे से लेकर 1 घंटा रखना है। ऊपर से जो है गर्म टॉवल पहन लीजिए और फिर आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो आपको इस वीडियो में नजर आ रहा है। होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बालों की ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, फॉलो करना नहीं भूलिए और जो है शेयर करना नहीं भूलिए।
ताकि आपके साथ साथ जो है वो दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। नोटिफिकेशन का आइकन ज़रूर जो है ऑन कर दीजिए ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियोज़ आने वाली हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।